नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर गंगनहर में समाई ऑल्टो कार तेज बहाव में बह गए। दो लोग, एक की जान गई, एक की हालत गंभीर। ऋषिकेश से दिल्ली जा रही ऑल्टो कार मंगलवार को सवेरे अचानक ही बेकाबू होकर गंगनहर में समा गई। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में कमहेड़ा पुल के पास हुए इस हादसे के बाद यहां से गुजर रहे लोगों ने शोर मचा दिया। तत्काल ही राहत कार्य शुरू हो गया, लेकिन अब तक एक युवती की सांसें टूट चुकी थी तो एक युवती अचेत अवस्था में मिली। ग्रामीणों ने रस्सा डालकर राहत कार्य को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि हादसे के दौरान ऑल्टो कार में चार लोग सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत, दो लापता व एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लापता लोगों की तलाश में गंगनहर में सर्च अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोग गंगनहर में रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। यह हादसा मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र कमहेड़ा गंगनहर पुल के नजदीक हुआ है। यहां ग्रामीण भी भारी संख्या में एकत्र हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड काफी तेज थी और चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा था। पुरकाजी थाना प्रभारी का कहना है कि कार में कितने लोग सवार थे इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल नहर में सर्च अभियान चलाया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, सुबह पुरकाजी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो कि हरिद्वार की तरफ से आ रही है, वो गाड़ी नहर में गिर गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और सीएम मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया। इसमें दो लड़कियों को उसमें से निकाल लिया गया और उसमें से उनको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें हॉस्पिटल पर अनफॉर्चुनेटली एक को डेड डिक्लेयर किया गया, दूसरी कंडीशन ठीक है। और उनके द्वारा बताया गया कि उसमें उनके अलावा दो युवक और थे और वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और अभी पुलिस के द्वारा वहां से उस गाड़ी को निकालने के प्रयास जारी हैं। पहचान हुई है सर, कौन थे, कहां से जा रहे थे? देखिए, अभी जो लड़की, जो उन दो लड़कियों में से एक लड़की कंडीशन ठीक है, बट पुलिस ने अभी तक उसकी कंडीशन को देखते हुए ज़्यादा उससे इंटरोगेट नहीं किया। जैसे ही उसकी कंडीशन में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा तो ज़्यादा जानकारी इसमें ली जाएगी। हादसा कैसे हुआ सर, कोई जानकारी मिली हो? देखिए, वहाँ पर कुछ स्किड मार्क्स हैं, तो संभवतः किसी तरह से आते टाइम कोई एक्सीडेंट की संभावना या कोई पशु का आ जाना किसी व्हीकल की वजह से ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। ज़्यादा जानकारी हेतु उनमें से एक युवती से ज़्यादा बात की जाएगी।